तैयारी में थे, हमें एक लालची बंदर और फंस गया। नमस्कार, कैसे हो आप सब? अब ये भी हमारा सर, आपने ड्राइविंग कब सीखी? ड्राइविंग मैंने पानी वाले से सीखी, जहाँ हम रहते हैं। आप सभी को बता दूं, यहाँ पे पानी नहीं है, ना ही समरसिबल से आता, ना किसी चीज से आता, और हमें ये भी नहीं पता। मतलब पानी है, खारा है, और हम ट्रैक्टर से पानी मंगाते हैं। देखो, TR म्यूजिक में ट्रैक्टर से पानी आता है, बहुत महंगा पानी है भाई। बिल्कुल सर, आपने कितना मतलब एक हफ्ते में नहाता हूँ मैं एक बार। अच्छा अच्छा, आज नहाए हैं क्या? आज तो नहाया, आज वीडियो बनानी थी ना। ओके, अब कब नहाएंगे, कब बनाने वीडियो? जब जब दुनिया में से पानी खत्म हो जाएगा ना, भगवान सबको सजा देगा मुझे छोड़ के। अच्छा, क्योंकि मैंने पानी बहुत कम वेस्ट किया है, बहुत कम। ये है हमारा घर, ये हमारे घर के बाहर। और मैंने भी नहीं नहाई। आपने क्यों नहीं नहाई? आपने नहीं नहलाई मैंने। अच्छा, आपने नहीं नहलाई? आपने मम्मी। हाँ, तो मैंने नहीं नहलाई। सामने मकड़ोली गेट दिखता है, जूम करके दिखाओ। उस गेट के पार गगन हरियाणवी मिलेगा आपको, गेट के अंदर जाते ही जो पहली गौशाला है राइट में, वहीं पर है गगन हरियाणवी। और ये हमारा घर है टोल पजाला पर। वैसे टोल प्लाजा है, पर ये आतिश भाई बोलता है ना टोल पजाला। टोल पजाला बोलना भाई। ओ वाह, सीख गया भाई। सीख गया भाई, छोरा टोल प्लाजा का ही तो सनसेट। करूं ये तरुण 5 साल चैनल पे है मेरा गाना। अगर किसी को किसी से प्यार हुआ है तो ये गाना सुन सकते हैं। वैसे मैं ब्रेकअप के गाने भी तैयार कर रहा हूँ। रंजन लिख रहा है, रंजन लिखे क्या ब्रेकअप के गाने? बिल्कुल लिख देंगे जी, घर तड़वाण में दुआ का। पेट्रोल पंप रोहतक में यही पेट्रोल पंप ऐसा है जो पूरी रात खुला रहता है, बाकी सब बंद भाई, सब बंद। आपको अच्छा लगा सर शहर? रोहतक जी एक नंबर, बिल्कुल एक नंबर। पहले तो आपका मन नहीं लगता था यहाँ पे। हाँ क्यों? वो मैं पानीपत रहता था ना। हाँ। पहले तो यहाँ के माहौल में डलने में थोड़ा टाइम लगा, यहाँ का हिसाब किताब थोड़ा कड़क है। जब यहाँ पे ऐसे बोलते थे ना, और भाई गाड़ी अगले थोड़ी, मैंने सोचा ये धमका रहे हैं, फिर बाद में पता लगा ये प्यार करने का अलग तरीका है। ऐसे ही है ना रंजन? बिल्कुल सर, ये कड़क मामला थोड़ा सा, यहाँ का मामला थोड़ा कड़क है। गोल चक्कर पानी पे थोड़ा, वो हाईवे है ना वहाँ का, थोड़ा पूरे हाईवे पे थोड़ा बोलने का सॉफ्ट मामला है वहाँ पे नेचर वाइज। सोनीपत में जाकर थोड़ा कड़क हो जाता है। सब्जी रोहतक में और सोनीपत में कड़क चाय पीते हैं लोग। बहादुरगढ़ यहाँ से 43 किलोमीटर दूर है। और गुड़गांव सर? अरे यार जो लिखा हुआ है वही तो बताऊंगा। ये है सुखपुरा चौक, रोहतक का एक वो एरिया, मतलब यही है मेन एंट्री करते ही। अगर पानीपत की तरफ से एंट्री करेंगे ना तो रोहतक का एक बड़ा रूप यही है। सब सबको पता है मतलब यहाँ के बारे में।
ट्रैफिक पुलिस है सामने हमारे देश के, ये वो जवान है जिनकी वजह से गाड़ियां सही चल रही है, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाए पावे। इस एक आदमी ने सबकी गाड़ी बचा रखी, देख लो, तो भाई को सलूट है दिल से। यू देखो बराबर वाले भी अड़ा अन्न हो रहा इधर हलवाई की दुकान है, उधर उधर बीकानेर है, उधर जाएंगे तो राइट मुड़ेंगे तो बीकानेर बिल्कुल कोने पे है, वहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, कई बार पैसा लगा चुका हूँ उन गोलगप्पों पे मैं, अपनी मेहनत का पैसा बीकानेर वालों को मैंने कई बार दिया है, कुछ नहीं मिला बदले में, गोलगप्पे उसमें पानी आलू वही था बस, पर टेस्ट ठीक था, पर पैसा ले लिया ज़्यादा। ये पीछे जो अपना रेडी वाले खड़े हैं ना, पानी भी ज्यादा इनका तेज दर्रार है और रेट भी ठीक है ना भाई रंजन जी? कहाँ जा रहे हो? कुछ खा लेते हैं ना, भूख लगी है ना। एक प्लेट खा था, एक ही प्लेट वो सर की, आपकी नहीं है, थोड़ी सी ले लूंगा। अभी देख ले क्या बना रहे हो भाई। छोले कुलचे लगाओ एक प्लेट। डालना भाई नहीं डाला बिल्कुल भी मीठा नहीं डाला। ये देखिए कैसे तवे पे फ्राई हो रहे हैं कुलचे देखना, और अभी डल रहा है मक्खन, कितना सारा मक्खन डाल रखा भाई ने, देखो क्या बात है भाई, क्या बात है, धनिया वगैरह सब कुछ डाल के क्या बात है, अच्छे से स्काई कर रहे हैं। ये क्या है भाई? पनीर है भैया। पनीर, ये देखिए जी क्या बात है, कितना सारा पनीर डाल रहे हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है। अभी फिर से धनिया डाला भाई ने, और ये प्याज, कितने रुपए की प्लेट है भाई? 70 रुपए की प्लेट है। 70 रुपए की प्लेट है भाई, और दो कुलचे साथ में, रायता साथ में है, रायता और लस्सी साथ में, क्या बात है। और ये आ गए, आ जाओ भाई अंदर आ जाओ, तुम सब भी आ जाओ। मैं और ये गरम गरम, ये सलाद गरम गरम, ठंडे ठंडे कुलचे, सलाद को हम नहीं खाएंगे, पकड़े रहा कुछ, तुम भी पकड़ ले कर लो बस, मैं बंद कर ले।